सामान्य साथियों, आपके बीच में हमारे दल के द्वारा आमंत्रित सम्मानित तमाम साथियों ने आदरणीय हमारे धर्मगुरु भंते करुणाकर जी से लेकर के और भी जो सम्मानित हमारे साथी यहाँ आमंत्रित किए गए दल की तरफ से, हमारी तरफ से, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको तमाम विद्वान लोगों ने, प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर्स ने और जो सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी चीजें बताई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के द्वारा पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर में, मैं दुनिया इसलिए कह रहा हूँ साथियों, जब यहाँ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला आते हैं बीपी सिंह के जमाने में, तो वो शपथ लेते हैं भारत के संविधान की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किसी और की शपथ लेते हैं और ये वचन देते हैं कि मैं पूरे अफ्रीका का संविधान भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप बनवाऊंगा। आपने सुना होगा, केवल हम ये कहें कि बाबा साहब का संविधान दुनिया से सारा विशाल है, बड़ा है, ये बात छोटी हो सकती है, परंतु अमेरिका का राष्ट्रपति से लेकर के दुनिया के देशों के राष्ट्रपति ये कहें कि आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से दुनिया में ज्ञानवान कोई नहीं है और उनके बने हुए संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ये खतरा है, क्योंकि अपना किसी बात की बड़ाई करता है वो नहीं हुआ मृत्यु हो जाता है, परंतु दूसरे लोग, दूसरे देश के लोग, राष्ट्राध्यक्ष अगर बाबा साहब के संविधान से सीखें, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे उससे 25 साल पहले परम पूज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सेंटर के माध्यम से अपनी सोच को भारत ही नहीं रतन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे दुनिया को दे दिया था कि मेरे भारत के अंदर में ऐसा समाज है जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, देश के निर्माता हैं, इस देश के अंदर में जानवर अच्छी जिंदगी जी सकता है और मेरे भारत के निर्माता तो मेरे समाज के लोग हैं, हजारों साल से उनके साथ में अन्याय होता रहा है, मैं ऐसे समाज को अधिकार चाहता हूँ, बराबरी का अधिकार चाहता हूँ, साधनों के लिए करने का अधिकार चाहता हूँ। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, राजा के गुणगान तो कोई नहीं कर रहे, ताकतवर आदमी के साथ में आजू हजू तो दुनिया के जमाने से करते आ रहे हैं। साथियों, ये आपने सुना होगा, और वहां एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनके लिए हजारों साल में ना कोई राजा कर सके, ना कोई विदेशी कर सके, ना कोई देश विदेशी कर सके, आपने कलम के ताकतवर चंद दिन के अंदर में लाखों सरकारी अधिकारी से लेकर के प्रधान सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक बना दिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम का कमाल था। संविधान बनाने से 25 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तरीके बताए थे, अब मैं उन तरीकों को बता रहा हूँ आपको, तरीकों को बता रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में कौन कौन सी धाराओं के अंदर में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के लिए हक दिए, ये तो आप पढ़ रहे हैं किताबों के अंदर में, और इससे बड़ी बात जो बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे देश के लोगों, भारत का संविधान नहीं, दुनिया का किसी भी देश का संविधान कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी विशाल हो, अगर उसके चलाने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो वो संविधान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए हमें इस देश के चलाने वाले लोगों को बेहतरीन बनाना है, भारत के चलाने वाले लोगों में अच्छे अच्छे लोगों को लाना है, ये बहुत जरूरी है साथियों। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हम सेमिनार कर लें, 100-200 इकट्ठे हो जाए, वही लोग हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, वही लोग हम इकट्ठे हो जाते हैं, वही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा विस्तार क्यों नहीं हो रहा, हमारी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं पूरे देश के अंदर पढ़े लिखे प्रोफेसर, डॉक्टर, सोशल वर्कर, हम गरीब के बीच में नहीं जा रहे हैं, हम उस गांव के आदमी के बीच में नहीं जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में जब समता सैनिक दल की स्थापना की थी, ये जो आरएसएस के लोग हैं जो खाकी कच्चा पहनने में गर्व करते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनने में गर्व नहीं करते, वो आरएसएस का खाकी कच्चा पहनने में गर्व करते हैं, ये कल की
अंदर में ये मैं जो कह रहा हूं आपसे, जिनके पास उद्योग है, जिनके पास पूरे भारत की जुडिशरी है, जिनके पास में 70% तमाम ब्यूरोक्रेसी है, वो तमाम लोग 4 बजे 5 बजे सुबह उठते हैं, खाकी कच्चा पहन करके हमारे गरीबों के बीच में जाते हैं, हमारे चुकी झोपड़ी से लेकर के शहरों तक में जाकर के सुबह 5 बजे खटकाने का काम करते हैं। ये काम बाबा साहब को अम्बेडकर ने 1924 में 25 में संविधान सेंटर के माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया था। जो मंच लगा सके, माइक ले सके, टेंट लगा सके, आपके पास वाहन भी नहीं अभी जा सके, और कम से कम अपने आसपास अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, अपने भाइयों को लेकर के इकट्ठे हो जाए सुबह 5 और 6 के बीच में, ना आपको टेंट की जरूरत है, ना एक पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना माइक लगाने की जरूरत है। अगर हम
साहब अम्बेडकर ने समता सिंधु बनाया, जो कि समता सिंधु का ये ऐसा पवित्र संगठन है जिसके मन पर जिसके तत्वाधान पे आयोजन होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने बड़े बड़े पूंजीपति लोग आए पैरों में गिरे, बड़े बड़े धार्मिक गुरु आए पैरों में गिरे, पर बाबा साहब एक इंच नहीं गिरे। सीखिए बाबा साहब की कार्य शैली से कुछ, सीखिए बाबा साहब के करैक्टर से कुछ, सीखिए बाबा साहब के कर्म से और मेहनत से कुछ। यह हमें सबको सीखना होगा। तो बड़े अफसर है, चाचा जज है, चाहे वो कहते चाहे छोटा वर्कर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के ये जो आरएसएस के लोग है तो पाखंड फैला रहे पूरे भारत में। हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, ये शैतान लोग पत्थर की मूर्तियों पर करोड़ों टन दूध चढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसका खोप है? हम खड़े नहीं हो इस बात पर, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ में चल रहे ये शैतान लोग कभी हिंदूवाद के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर हमें लूटा जा रहा है, अंधे के नाम पर लूटा जा रहा है, और वो करोड़ों का फंड भारत के संसद में पास होता है। शुरू कास्ट के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर नहीं सुना होगा आपने, पिछड़ों के नाम पर, क्षत्रियों के नाम नहीं सुना होगा आपने, पैसा पास होता है SC ST के नाम, महिलाओं के नाम, ग्रामीण लोगों के नाम, और खा रहे हैं धन्ना से लोग। संगठित साथियों, संगठित फौज के 50 कमांडर पूरे काम को कवर कर लेते हैं, जबकि गांव में रहने वाली संख्या हजारों की होती है, क्योंकि वो संगठित है, अनुशासित है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हे मेरे समाज के लोगों, मुझे भेड़ या कुत्ती बिल्ली का समाज नहीं चाहिए, मुझे शेर चाहिए। शेर शेर बनाने हमने अपने साथियों, और शेर कोई बना सकता है जो खुद में शेर होगा, उनसे ज्यादा ताकतवर तो ये टीम है, उनसे ज्यादा ताकतवर तो ये टीम है, उनसे ज्यादा ताकतवर वो कौन तो व्यक्ति है, नंगा भूखा
अभियान चलाएंगे जिनके हाथ को उन्हीं आरएसएस उन्हीं बीजेपी उन्हीं उन्हीं हमारे समता नए समाज के प्रोफियों को जो पाखंड फैला रहे पूरे भारत में सारे मंदिरों में चले जाइए, भारत के तमाम मंदिरों में जाइए, कहीं भी भारत के संविधान का एक अक्षर लागू होगा, भारत के संविधान का एक अक्षर लागू होगा, अकेला पढ़ना करोड़ों अरबों रुपये को बेकार बना मालिक बना बैठा इतने भारत के तमाम हमारे एससीएसटी के भाइयों के पास पैसा नहीं, जितना एक पूरी का एक मंदिर इनके पास है उसमें अरबों खरबों सोने के सिक्के सोने की तमाम चीजें साथियों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास ताकत मेहनत की ताकत है, हमारे पास ताकत विल पावर की ताकत है, हमारे पास ताकत मरने मिटने की ताकत है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हर क्षण मरने मिटने को अमाना करता है, वो जो महात्मा कलाम की बात है उस जमाने में जब कोई ईमान की बात सोच नहीं सकता था उस महापुरुष ने मनुस्मृति को आग के रवाने कर दिया, मुझे इशारा हुआ है कोई बात नहीं समता से निकल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ समता से निकल है, मैं आपको भरोसा दे सकता हूं उस साथी के में से भी ऐसे है जो मन से साथ है, समय की कमी हो सकती है, जिम्मेदारियां कुछ भी हो सकती है,